नमस्कार मित्रों, मैं संदीप कुमार सिंह। आज जो है आपके ज्योग्राफी क्लास की जो है जो आपकी सीरीज बन रही ज्योग्राफी की, जो कि यूपीएससी जीएस ऑप्शनल और जो है जो स्टेट लेवल के जो आपके पीएससी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जो है ये महत्वपूर्ण सेक्शन आपका चल रहा है। रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और भी ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से जो भी आपके महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं उसके लिए हम लोग आते हैं, तो ये भी आपका जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आपका हो जाता है रिवर सिस्टम। हमने रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था इंडिया का रिवर सिस्टम, क्योंकि इंडिया के सेक्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और इंडिया में भी आइएगा तो आपके रिवर सिस्टम से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें जो पहला हमने उठाया था टॉपिक आपका इंडस रिवर सिस्टम है। आज की जो है जो आपका फोर्थ क्लास है, चेनाब रिवर। हम लोग जब चेनाब रिवर के बारे में बात करते हैं तो भारत में आने पर, यहाँ पर इंडिया में आइएगा तो प्राचीन काल में भी जो आपका एंशियंट टाइम रहा है नदियों के प्राचीन नाम भी रहे। जो नाम आज आप सुनते हैं वो नाम बल्कि इन नदियों के नहीं रहे हैं, बल्कि प्राचीन काल में इनको अन्य नामों से भी पुकारा जाता रहा है। जैसे हमने कल बताया था आपसे, जब झेलम के बारे में बताया था तो झेलम का जो प्राचीन नाम है एंशियंट नेम वो है बितस्ता। हमने जब आपसे बताया था सतलुज के बारे में तो वहां पर आएगा सतद्रु या सतुद्री कहा जाता है, कब? प्राचीन काल में। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग यहीं पर चेनाब रिवर के बारे में तो चेनाब रिवर का जो है जो एंशियंट नेम है इसे कहा जाता है अस्किनी। मतलब चेनाब रिवर का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। ठीक, यहीं पर बात कर रहे हैं हम लोग चेनाब रिवर के बारे में। हम लोग आते हैं इंडिया वाले हिस्से पे। ये आपका जम्मू कश्मीर, यहां पर चलते हैं इसके ऊपर, ये हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ेंगे यहां पर थोड़ा सा हिस्सा, ये आपका नीचे की ओर आते हैं उत्तराखंड का हिस्सा। कुछ आपका स्टार्टिंग फेज में आप ऐसे देखते हैं इंडिया का मैप, यहां पे आइएगा, ये जो आप सीमा देख रहे हैं ये आपकी जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और इधर आते हैं तो आपको पंजाब मिलेगा, यही वाला हिस्सा। ध्यान दीजिएगा यहां पर हिमालय की चार श्रेणियों के बारे में बात करें, जैसे कि पूर्ववर्ती क्लासों में भी हम बात करते रहे। यहां पर आएगा आपको रेंज मिलेगा ट्रांस हिमालयन रेंज, और इसके नीचे आते हैं जो आपको रेंज मिलेगा ये आपका है ग्रेटर हिमालय, जिसे जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कहा जाता है जास्कर रेंज, यही आपका ग्रेटर हिमालय रेंज ही जाना जाता है जास्कर रेंज के नाम से ही। और आगे बढ़ते हैं इसके नीचे और साउथ में आ जाइएगा तो आपको ये रेंज मिलेगी यहाँ पर, जिसे कहते हैं लेसर हिमालय, और इसके नीचे आते हैं आपको एक रेंज और मिलेगी जिसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की चारों रेंज हैं, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। जो आपकी चेनाब रिवर है वो आपकी नदी जो है इसी ग्रेटर वाले हिस्से से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और यहां से ये दो नदियां निकलती हैं चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा दोनों रिवर यही हिमाचल प्रदेश में आपस मिलती हैं, चंद्रभागा नाम होता है और चंद्रभागा के ही नाम से वो एंट्री करती हैं कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में एंट्री करने के बाद जो जम्मू कश्मीर में आपका जो है जो लघु हिमालय है लेसर हिमालय, जिसे हम लोग पीर पंजाल कहते हैं, इसी पीर पंजाल को काटते हुए वो नीचे की ओर आती है और इन दोनों पहाड़ियों के बीच से बहते हुए वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसे हम लोग किश्तवाड़ क्षेत्र कहते हैं, किश्तवाड़ एरिया जम्मू कश्मीर में। और जब यहां पहुंचते हैं ये वाला एरिया आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं जम्मू प्लेन, जम्मू का मैदान, और ये आपकी जम्मू की पहाड़ियां जो कि शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत ही आती हैं, यहीं पर ही इन्हीं जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू हिल्स पे ही आपको मिलेगा वैष्णो देवी। तो आपको रिवर इसी के आसपास मिलेगा और यहीं से ये कहां एंट्री कर जा रही है? पाकिस्तान में। ऊपर से यहां पर आते हैं तो भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर से एक रिवर आ रही है आपकी, नाम इसका है झेलम, और झेलम यही आके चेनाब से मिल जाती है ट्रिमो में, जैसा कि कल के क्लास में हमने बताया था, इसके पहले वाले क्लास नंबर 3 आपका रहा है। और इसके नीचे आते हैं तो यहीं पर एक रिवर आपकी और आएगी, नाम इसका है रावी। रावी भारत में आइएगा तो यहां पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में बॉर्डर बनाएगा, कठुआ से लेकर के गुरदासपुर तक, और गुरदासपुर से लेकर के अमृतसर तक यहां पर रावी रिवर बॉर्डर बनाएगा,
और यहीं पर अमृतसर के बाद ये रिवर पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और किसे मिल जाती है, चिनाव से। तो ये रिवर आपकी है चिनाव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग कहाँ कहाँ बात करेंगे, रिवर आपकी कहाँ निकल रही है, ग्रेटर हिमालयन रेंज से, और ग्रेटर हिमालयन रेंज पर ही पर आइएगा तो आपको एक पास मिलेगा दर्रा, बारा लाचाला दर्रा, और इन्हीं दोनों आपके दर्रों के दोनों तरफ से दो नदियां निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपकी है जास्कर रेंज, हम लोग बात करेंगे केवल केवल हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज है, जिसका दूसरा नाम क्या है, इसी हिमालयन रेंज को कहा जाता है जास्कर। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इसी जास्कर रेंज पर ही आपको एक पास मिलेगा। पास का नाम है बारा लाचाला। बारा लाचाला, ध्यान दीजिएगा बारा लाचाला एक पास है दर्रा। ला मतलब जब आते हैं लद्दाखी भाषा या तिब्बती भाषा में तो इस ला को कहा जाता है दर्रा। और ध्यान दीजिएगा लद्दाखी या तिब्बती भाषा में नदियों के लिए चू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहते हैं सिपकी दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लेकिन वहां पर मानाला, नीतिला, लिपुलेख, जेलेपला, बारालाचा ला, बुरजिल्ला, जोजिल्ला, तो जिस शब्द के भी पीछे ला वर्ड लिखा हुआ है ये आप खुद से अंडरस्टूड कर लीजिए, क्योंकि लद्दाखी भाषा या तिब्बती भाषा में ला का अर्थ होता है दर्रा। और जिस नदी के पीछे चू वर्ड लिखा गया है, जैसे गंगा चू, यमुना चू, ब्रह्मपुत्र चू, तो मतलब चू का अर्थ यहां पर हुआ ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, ठीक। तो तिब्बती भाषा, लद्दाखी भाषा में नदियों के लिए चू और दर्रों के लिए ला शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में यहां पर आइएगा तो इसी जास्कर वाली रेंज के किनारे ही आपको, जास्कर रेंज पर ही आपको मिलेगा बारा लाचाला दर्रा। इस बारा लाचाला दर्रे के दोनों तरफ से जो आपके पास है, दोनों तरफ से दो नदियां निकलती हैं। यहां पर आइएगा, एक का नाम है चंद्रा और जो दूसरी का नाम है भागा। चंद्रा एंड भागा, ये दोनों नदियां आपकी निकलती हैं और हिमाचल प्रदेश में आपको एक जगह मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में जो जगह है वो है टांडी। ये टांडी में एक दूसरे से जो है मिलती हैं, मतलब चंद्र और भागा, चंद्रा और भागा एक दूसरे से मिलेगी। और टांडी में मिलने के बाद यही रिवर जब आगे बढ़ती है तो इसी रिवर को कहा जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा रिवर, ध्यान दीजिएगा चंद्रभागा के नाम से ये हिमाचल प्रदेश में बह रही है। और आगे पहुंचते हैं, जैसे ही ये रिवर एंट्री करती है किश्तवाड़, जैसे ये रिवर एंट्री करती है किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ प्लेन, और ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। जैसे ये रिवर किश्तवाड़ में प्रवेश करती है, इस नदी को अब चंद्रभागा नहीं कहते हैं बल्कि इस नदी को कहा जाता है चिनाव। मतलब चिनाव नदी का जो उद्गम होता है, जो इसकी ओरिजिन है, वो चंद्रा और भागा दो नदियों से होता है और दोनों रिवर्स आपस मिलकर चंद्रभागा के नाम से बहती हैं। और जैसे ही ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं, एंट्री करेंगी, तो इस रिवर का नाम हो जाता है चिनाव। अब नीचे की ओर आने पर यहीं पर ही जो आपकी चिनाव रिवर है, यहां पर आइएगा नीचे की ओर, ये जो हिस्सा है ये आपकी रेंज जो है
ये है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज, और पीर पंजाल जो रेंज है ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में, और पीर पंजाल किसका हिस्सा है? लेसर हिमालय का। ठीक, अब आगे पहुंचते हैं लेसर हिमालय पर, और यहीं पर ही आइएगा तो बजाय ये पीर पंजाल को काटने के, यह रिवर आगे पहुंचती है इस पीर पंजाल से ही, बल्कि इसके इस पार से ये रिवर एंट्री कर जाती है कहां पर? पाकिस्तान। कहां एंट्री कर जाएगी ये? पाकिस्तान। मतलब यह नदी यहां से निकलती है ग्रेटर हिमालय से, लेकिन ये लेसर हिमालय को काटती नहीं है, बल्कि इस लेसर हिमालय के ऊपरी वाले हिस्से से निकल जा रही है। यहां पर आते हैं इन दोनों श्रेणियों के बीच वाले हिस्से से, यहां से देखिए निकल जा रही रिवर पाकिस्तान में। अब यहां पे आइएगा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो आपने ये हिस्सा देखा, यही हिस्सा आपका कहलाता है जम्मू प्लेन या जम्मू का मैदान। और नीचे की ओर आने पर यहीं पर ही आपको एक जगह मिलेगी, यहीं पर पढ़ेंगे जम्मू प्लेन में ही आपको देवी मिली, यहीं पर मिलेगी वैष्णो देवी, आपको एक हिस्टोरिक प्लेस भी मिलेगा। ठीक, हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, यहीं पर ही जो आपकी चिनाव नदी है, चिनाव रिवर है, इसका जो एंशियंट नेम है वो है अस्किनी। एंशियंट नेम क्या है इसका? है अस्किनी। यह नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला पास से जो है निकलती है चंद्रा और भागा के नाम से, और हिमाचल प्रदेश में टाडी के पास एक दूसरे से मिलने के बाद चंद्रभागा के नाम से किश्तवाड़ तक बहती है, और किश्तवाड़ के बाद जैसे ही जम्मू में एंट्री करती है इस नदी को जो है चंद्रभागा नहीं कहते, क्या कहते हैं? चिनाव कहते हैं। और जम्मू के मैदान, जम्मू प्लेन से बहते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। जहां पर ये नदी बहती है वहीं के आसपास के क्षेत्रों में आपको वैष्णो देवी भी मिलता है। तो ये आज आपने जो देखा ये आपका था चिनाव रिवर। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो आपकी है रावी रिवर के बारे में। ठीक, हम लोग रावी रिवर देखते हैं यहां पर।